गोल्डीज किचन लेके आया है ये बनने वाली चटनी आपके लिए। आज इसकी रेसिपी हम शेयर कर रहे हैं तो जरूर अंत तक देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम लेके आए हैं आपके लिए यमी सी लगने वाली चटनी, मिंट चटनी, मिंट डिप इसको कह सकते हैं। और ये देखिए, हमने लिया है पुदीना, एक वन हैंडफुल पुदीना है। आप देख सकते हैं मैंने इसकी लीव्स तोड़ी हैं, इनकी डंठल को साथ में नहीं लिया है, इनको अच्छे से धो लिया है जो कि बहुत जरूरी है। दो मैंने हरी मिर्च ली हैं स्पाइसी करने के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग, अगर चिली जो है ज्यादा तीखी है, हरी मिर्च तीखी है, तो आप एक यूज कीजिए। चार ये लहसुन की कलियां ली है, एक ये प्याज लिया है, ये सफेद प्याज मैं इसमें यूज कर रही हूँ, आप कोई भी प्याज यूज कर सकते हैं। काला नमक मैंने आधा टीस्पून लिया है, सफेद नमक मैंने 1/4 टीस्पून लिया है, नींबू का रस हाफ नींबू का रस लिया है, और ये आप सोच सकते हैं कि 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम रस है। 2 टेबल स्पून मैंने दही ली है, घर की जमी हुई दही है और थोड़ा थिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये क्विक सी बनने वाली चटनी। तो हमने मिक्सी जार को लगा लिया है, अब हम इसमें सबसे पहले डाल रहे हैं ये प्याज, और हरी मिर्च को हम तोड़कर डाल देंगे। ये चटनी आप बनाकर देखिएगा कि कैसी बनती है, बहुत टेस्टी है। और ये लहसुन डाल दिया है हमने, पुदीना डाल दिया है। पुदीना थोड़ा तीखा होता है टेस्ट में, यानी पंजन सी स्मेल होती है, तो आप पुदीना उतना ही डालें जितना मैंने बताया है। चटनी जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाने से उतनी अच्छी नहीं बनती है, आप चाहें तो उसको 2 बार बना लें। अब हम डाल रहे हैं इसमें सॉल्ट, नमक दोनों तरह का, और नींबू का जूस। हम इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं कर रहे हैं, और 1 टेबल स्पून कर्ड हम इसमें पहले डाल रहे हैं, और अब हम इसको मिक्सी को चलाएंगे। इसको ऐसे टाइट बंद करेंगे, इसके ऊपर हाथ रखेंगे और मिक्सी को चलाएंगे रुक रुक कर। अब इसको खोल के देखते हैं, ये देखिए 2-3 बार हम चला चुके हैं, इसका कितना सुंदर कलर आया है और बहुत आसानी से पिस जाती है। अब हम इसमें बचा हुआ 1 टेबल स्पून कर्ड और ऐड कर देंगे और एक बार इसको चलाएंगे। कंसिस्टेंसी आपको जितनी चाहिए उतनी कर्ड आप इसमें ऐड कर सकते हैं, पानी बिल्कुल नहीं, बस जितनी पत्तियां पुदीने की गीली होती हैं वही आप कर सकते हैं। तो खोल के देखें, वाह कितनी अच्छी स्मूथ ये चटनी बनकर हमारी तैयार है। आप चाहें तो इसको ग्राइंड करके बाद में भी दही को विस्क करके डाल सकते हैं, और मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए। अब मैं इसको, इस समय आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी चटनी कैसी बनी है। अगर आपको मेरी ये चटनी पसंद आती है, ये रेसिपी पसंद आती है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। आइए अब हम इसकी करते हैं प्लेटिंग, और देखिए ये कंसिस्टेंसी चटनी की, ये देखिए कितनी अच्छी चटनी बनी है। जरूर ट्राई कीजिएगा, मैं आपको बार बार कहती हूं, आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कितनी यम है, कितनी टेस्टी है। जरूर ट्राई कीजिए और फ्रेश बनाइए, फ्रेश खाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज।